अफतोमनून बेबाद किताब व तकफरून बेबाद। क्या तुम हमारी शरीयत और किताब के एक हिस्से को मानते और एक को नहीं मानते? एक हुक्म सर आंखों पर, एक हुक्म पांव तले रौम देते हो। फमा जजाओ मन यफअल ज़ालिक मिनकुम, तो कोई सजा नहीं है उनकी जो ये हरकत करेंगे तुम में से। इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, सिवाय इसके कि दुनिया की जिंदगी में ज़लील व ख़ार कर दिए जाओ। वयौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़ियामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिए जाओ। वबल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी हकीकत से अल्लाह नावाकिफ नहीं है, बेखबर नहीं है। तुम आए हो हज करने, दाढ़ी लंबी है तुम्हारी, अल्लाह को मालूम है हराम की कमाई से हज करने आए हो, हराम की कमाई से उमरा करने आए हो। तुमने मस्जिद तो बड़ी शानदार बनवा दी, तुम्हारा कारोबार तो हराम का है, सट्टे और जुए के ऊपर कारोबार कर रहे हो, बैंक से सूदी कर्जा लेकर कारोबार कर रहे हो, तो मस्जिद बनाने का क्या तुम्हें सवाब मिलेगा? अल्लाह ताला को तो नफकात जो है, सदकात और नफकात सिर्फ वो कबूल है जो पाक और हलाल कमाई से हो। हराम की कमाई से तुमने कुछ भी लटा दिया हो, अल्लाह को एक घेरे की उसकी कुकत नहीं। अब इसमें दो सजाएं बयान की गई, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, तुम्हें से जो कोई भी ये हरकत करेगा कि दीन के एक हिस्से पर अमल एक पर नहीं, उसकी सजा इसके सिवा कुछ नहीं है कि दुनिया की जिंदगी में ज़लील व ख़ार कर दिए जाए। ये तो नकद है जो दुनिया में मिलता है, और आखिरत में जो सजा मिलेगी वह यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़ियामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिए जाओ।